हेलो, आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो है नोवा का क्रिजाल डिजिटल प्रोग्रेसिव नोवा प्लस 3.0 करके एक प्रोग्रेसिव लेंस आता है। कुछ इस तरह की पैकिंग में आएगा। जो मेरे भाई बंधु, जो भी सर, आप प्रोग्रेसिव अगर नंबर यूज़ करते हो, अगर आपने बाइफोकल लगाया हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। बहुत अच्छी वीडियो बनने वाली है, वीडियो को पूरा देखें। तो कई बार क्या होता है कि हम प्रोग्रेसिव बनवा लेते हैं, लेकिन कई बार वो थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है और आपको शॉपकीपर बताता नहीं है कि वो उसमें वो गेम खेल जाता है कि उसको सस्ता कैसे मिलता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार आप क्रिजाल की प्रोग्रेसिव ले लेते हो, एसएलआर की आपने बुक करवा ली, आपको रेट तो उसने एसएलआर का लगाया है, लेकिन वो दे आपको देते हैं नोवा के अंदर। तो आप अपने गाइडेंस खुद बनो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको क्रिजाल की प्रोग्रेसिव लेनी है तो आप नोवा में भी जा सकते हो। एक ब्यूटी ग्लास आता है नेचुरल लुक करके, जो इससे लास्ट वीडियो मैंने डाली है उसके अंदर भी मैंने आपको बताया हुआ है। नोवा के अंदर जो क्रिजाल प्रोग्रेसिव आती है वो बिल्कुल डिट्टो डिज़ाइन वाइज एसएलआर की तरह से बन के आती है। और ये जो डिज़ाइन इसके अंदर नोवा प्लस 3.0 जो प्रोग्रेसिव है, ये डिज़ाइन बिल्कुल लिबर्टी और वेरिलैक्स की जो प्रोग्रेसिव आती है, जो इनकी अच्छी प्रोग्रेसिव आती है, ये उस डिज़ाइन के अंदर आती है। उससे 500-600 रुपये सस्ता ही पड़ेगा अगर आप शॉपकीपर से मांगते हो तो, मे बी अगर वो आपको देता है तो। दूसरा, अगर आप क्रिजाल एसएलआर से ले रहे हो तो उसकी कोशिश करना कि एक रैपर मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, उसकी पैकिंग अलग तरीके से आती है और नोवा की पैकिंग पे नोवा की ब्रांडिंग आती है। और साथ ही पीछे इसके ऊपर एसएलआर की तरफ से जो क्रिजाल का जो स्टिकर है वो स्टिकर सील्ड पैक आता है, लेकिन कई बार होता है कि सील्ड ना भी हो तो भी कोई चलेगा। लेकिन जो मेन ओरिजिनलिटी क्रिजाल की पहचान है, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि क्रिजाल प्रोग्रेसिव को चेक करने का सबसे बेटर ये है, जो ओरिजिनल अगर आप ले रहे हो तो एक तो उसके ऊपर फॉग आईडी आता है नो डाउट, लेकिन जो प्रिविंशिया के ऊपर है उसके लिए भी मैं आपको, प्रिविंशिया की अगर कोई प्रोग्रेसिव लेते तो मैं तो मना ही करता हूँ कि वो ना लो, क्योंकि उसके ऊपर कोई आइडेंटिफिकेशन आ नहीं रहा चेक करने का, तो आपको पता कैसे चलेगा। कई कमेंट मेरे इनबॉक्स में आते हैं कि भैया यार मैंने क्रिजाल प्रिविंशिया लिया हुआ है, वो कैसे पता चलेगा। तो मैं फिर आपसे ये कहना चाहूँगा कि एज अ कस्टमर आप डिफरेंस नहीं पता लगा सकते कि क्रिजाल प्रिविंशिया और जो फेक लेंस है उसमें डिफरेंस है क्या। उसको चेक करने का सबसे बड़ा जो चीज़ है वो यही है कि आप जिस रैपर में वो लेंस आता है वो रैपर हो, उस रैपर पे आपकी पावर लिखी हुई हो, जो पावर आपने शॉपकीपर को दी है, जो भी आपकी प्रिस्क्रिप्शन है, और उसके ऊपर ये सील्ड लगा हुआ होता है, वो सील्ड खुली हुई ना हो। अगर वो सील्ड और आप जब फिट करवाओ अपने सामने कि जब वो लेंस आपके पास आए तो आप बोलो कि भाई जब मैं रहूं तभी इसको फिट करना है, मेरे को दिखा करके फिट करना है, और आपके सामने आप खुद से उसकी सील्ड को ब्रेक करो। कई बार क्या होता है कि शॉपकीपर उस लेंस को निकाल के डुप्लीकेट लेंस भी डाल सकते हैं उसके अंदर, वो डुप्लीकेट लेंस भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो कोशिश करना कि जब ये रैपर आए तो उसका प्रिविंशिया का रैपर आपने देखा हुआ, मेरी वीडियो में नहीं है तो जाकर के आप देख लो मेरी किसी भी वीडियो में जिसमें क्रिजाल प्रिविंशिया के बारे में मैंने बताया हुआ है, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो वो ज़रूर चेक कर लें कि ओरिजिनलिटी की पहचान क्या है। अगर क्रिजाल प्रिविंशिया लेना है तो उससे बेटर क्रिजाल सफायर ले लो ना यार, उसके अंदर ब्लू कट ब्लू की हुई कैप्चर ऐड करवा लो, सिंपल सी बात है। थोड़े दिन पहले की बात है कि एक भाई मेरे से पूछ रहे हैं, यार मैंने लगवाया हुआ है लेकिन उसमें ना येलो टिंट भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो मैंने कहा यार ऐसे पता नहीं लग सकता कि आपने कौन सा वाला प्रोडक्ट लिया है। अगर आपको उन्होंने वो रैपर प्रोवाइड करवाया है आपकी पावर का तो मैं श्योर हूँ कि आपको दिया होगा, ठीक है ना। मैं उस पर भी श्योर नहीं होता क्योंकि रैपर निकाल के आपको लेंस दूसरा डाल के भी दिखाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। एक अगर आप क्रिजाल प्रिविंशिया लेने चले जाओ, हदमरे से हमारा कोई आपको 3,3200 रुपये के अंदर आपको क्रिजाल प्रिविंशिया देता है, और अगर उसने वो लेंस निकाल दिया उसके अंदर, एक मार्केट के अंदर लेंस एक कई लेंस आते हैं, मैं एक बार कंपेयर भी करके दिखाऊंगी कौन सा लेंस उसका डुप्लीकेट लेंस है। तो ये एक चीज़ ज़रूर चेक कर लें कि सेम डिट्टो लेंस क्रिजाल प्रिविंशिया का मार्केट में अवेलेबल है, जो डुप्लीकेट डिट्टो कॉपी है, दिखने में भी सेम डुअल कोटिंग के साथ आता है, जैसे क्रिजाल प्रिविंशिया डुअल कोटिंग के साथ आता है, उसी के साथ कई लेंसेज आते हैं जो मैं आपको किसी टाइम किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। तो मेरा यही मोटो है कहने का यार कि अगर आप पैसे खर्च कर रहे हो तो चीज़ ओरिजिनल करो, ओरिजिनल लो, और कोशिश करो कि किसी भी ब्रांड का अगर आप लेंस लेते हो तो ये रैपर साला उनके पास ज़रूर होता है, लेकिन वो आपको देंगे नहीं अगर उन्होंने झोल करा होगा तो, क्योंकि ये रैपर से वो पकड़े जाते हैं। अगर ये रैपर उनके पास नहीं है, कोई भी बहाना बना रहे कि भैया फेंक दिया ये कर दिया, तो आप मानो ही मत कि उसने ओरिजिनल लगाया। अगर कोई ट्रस्टेड है, ऐसे कई ट्रस्टेड हैं कि अगर वो ये कह रहे हैं कि अगर वो शॉर्टी के साथ आपको दे रहे हैं तो फिर ठीक है, लेकिन फिर भी यार मन में वहम मत रखो
रैपर जरूर लो, क्योंकि यहाँ पे ना अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये देखो ये पावर लिखी हुई आती है जो आपकी एग्जैक्ट पावर है, उस पर कटिंग भी नहीं होती। कई बार आप कटिंग जैसे क्रॉस एक कंप्यूटराइज पावर है, आपने जो पावर लिखा वो पावर लिखी हुई होनी चाहिए, और अगर कटिंग है तो भी झोल है, कटिंग भी नहीं होगी, तो ये भी ध्यान रखना है, ये सब चीज़ों से बचना है। और प्रिविंशा से बैठा किरजाल सफायर लो, उस पर साला किरजाल सफायर की जगह एस यू वी लिखा हुआ आता है और किरजाल यू वी पे यू वी लिखा हुआ था। ये दो प्रोडक्ट है जो बाई कर लो आँख बंद करके, चाहे रैपर दे चाहे ना दे, क्योंकि इसके ऊपर लेंस पे जब आप फोक करोगे तो किरजाल यू वी और किरजाल सफायर लिखा आएगा। मेरा जो मेन पॉइंट है वो यही है कि अगर आप पैसे खर्च करो तो यार चीज़ ओरिजिनल लो, आंखों से खिलवाड़ मत करो। पैसे जिस चीज़ के खर्च किए हैं वो तो कम से कम मिलना ही चाहिए। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो कई मेरे भाई है जो मुझे कहते हैं कि यार आप हमारे को प्रोवाइड करवा दो किरजाल प्रिविंशिया, तो मैं उनको भी मना करता हूँ कि यार किरजाल प्रिविंशिया लेने का क्या फ़ायदा, आपको कंप्यूटर वर्किंग के लिए चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। साला किरजाल प्रिविंशिया इतना येल्लो टिंट है कि देखने में भी दिक्कत आती है, कई बार कईयों को ना हेडेक सा होता है। तो सफायर ले लो, उसे कम टिंटेड है, यूवी नहीं लेना, सफायर ले लो, सेम चीज़ है, सेम काम करता है, सब कुछ है उसके अंदर, क्या बस एक अप टू 5x ब्लू कोटिंग, ब्लू कैप्चर को रोकने के लिए उसके ऊपर लिख दिया गया। ऐसा सेम चीज़ आपको सफायर में भी तो मिल रही है, वही ब्लू, पहले ब्लू फिल्टर था, अब वो ब्लू ब्लॉकर बन गया, किरजाल सफायर भी ब्लू ब्लॉकर बन गया, किरजाल यूवी भी ब्लू ब्लॉकर बन गया, पहले इनके अंदर फिल्टर था। तो कोशिश करो कि आपने जब भी लेना है अपनी चॉइस के हिसाब से लेना, प्रिविंशिया ना लो जब तक उसके ऊपर कोई आइडेंटिफिकेशन कंपनी की तरफ से नहीं आती है, तो ठीक है, तब तक किरजाल सफायर बेस्ट है। तो अब बात करते हैं इसकी, तो ये है कुछ इस तरीके से इसका लेंस प्रोग्रेसिव की, जो मैं आप देख सकते हैं नोवा प्लस 3.0। इसकी करने जा रहे हैं हम इस फ्रेम के अंदर फिटिंग मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो होगी लंबी, कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी आपको बताने की कि अगर कोई भी लेंस अगर आप लेते हो तो मेक श्योर करो कि अगर आपने पैसे उसके खर्च करे हैं तो आपको वो चीज़ मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है। एज अ बायर मैं एज अ सेल्समैन अगर मैं किसी कस्टमर को अगर अटेंड भी करता हूँ तो उसको मैं पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं तो मना ही कर देता हूँ कि किरजाल प्रिविंशिया लो ही मत, चाहे बेशक मुझसे ले रहे हो, मन में डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है जब तक उसके ऊपर कोई आइडेंटिफिकेशन कंपनी नहीं देती है। मेरा यही कहने का मतलब है कि जो चीज़ लो ऑथेंटिक लो और अच्छी लो। तो चलते हैं इसको फिटिंग करने के लिए, फिटिंग की वीडियो मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो हो जाएगी काफ़ी बड़ी, क्योंकि ऑलरेडी आप काफ़ी देर से मुझे बर्दाश्त कर रहे हो, सुन रहे हो कि यार इतनी लंबी थोड़ा ज्ञान दे दिया उन्होंने, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए मुझे ना क्या करना, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं वीडियो बनाऊँ, इसलिए मेरी वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आती है, काफ़ी ज़्यादा वर्क पेंडिंग पड़ा रहता है मेरे पास, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के कुछ वीडियो बना करके आपके लिए मैं अपलोड कर देता हूँ। आपसे यही गुजारिश है कि इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, काम छोड़ करके बनाना पड़ता है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और लास्ट में मैं इसको फिट करने के बाद इसका पूरा एक लुक दिखाऊंगा और एक आपको किरजाल यूवी जो इसके अंदर आया है नोवा के अंदर उसकी ब्रांडिंग भी दिखाऊंगा। जैसे तो मैंने आपको दिखाई रखा कि कहाँ पे किरजाल यूवी लिखा हुआ आता है, फिर भी मैं तो फाइनली ये हो चुकी है फिट, देख सकते हो आप नोवा की प्रोग्रेसिव, और दिखाता हूँ मैं आपको इसके अंदर की ब्रांडिंग की किरजाल यूवी कहाँ पे लिखा हुआ आता है। ये आप राइट में देख सकते हो जहाँ पे आर बना हुआ है, इसके ऊपर किरजाल यूवी की ब्रांडिंग है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।